सो गाइस सीन कुछ यूं है, आज है भाई संडे और संडे वाले दिन हम लोग बन जाते हैं नेस्ती और उठते हैं 5-5, 6-6 बजे। तो भाई आज भी कुछ यूं ही हुआ, मेरी एक छुट्टी जाया जाने वाली थी लेकिन मैंने बचा लिया। 5 बजे उठी हूँ मैं, जल्दी उठी हूँ और जल्दी मैंने सोचा यार मैंने तो रेडी होना था 5 बजे, मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और मैं आ गई हूँ नहाने के लिए, शावर लेने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए और रेडी शेडी होकर जो हमने सीन्स करने ना, बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है, स्पेशल होने वाला है, बोरिंग होने वाला है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, ठीक है जी। तो स्टे इन स्टे कनेक्टेड, मैं तो जल्दी से शावर वावर लेके मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या सीन है आगे के। हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुबारक आज पहली बार हाफ एन आवर में मैं नई नई करके वापस आ चुकी हूँ नहा के, वरना उसी में कितने घंटे में वापस आती हूँ नहा के, 3 घंटे में। आज पहली बार व्लॉग के चक्कर में मैं हाफ आवर में नहाई हूँ, वरना आप लोग क्या सोचते हैं मैं क्या 3-3 घंटे लगा के नहाती हूँ, नहीं भाई मैं आधे घंटे में नहा लेती हूँ, है ना, सही कह रही हूँ ना, नहीं झूठ कह रही है, झूठ गाइस आपको बताना चाह रही, झूठी है, शिट्टियों माउथ, ओके मैं आधे घंटे में नहा लेती हूँ, आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे जमाने का। तो भाई हमने जो गंदगी फैलाई है वो जल्दी जल्दी उठा के डस्टबिन में डालते हैं, अपने कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डालते हैं, जल्दी जल्दी से काम करते हैं, वरना नहीं जा रही वॉशरूम। तुम ही नहीं करने जा रही हूँ? नहीं मैं नहा चुकी हूँ तुमसे पहले। तो अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, ये जरा 5 रुपये देखे, जरा ये गुर्बत आ गई है गाइस, इतने लंबे वालों में 10 रुपये का लाइफ बॉय शैम्पू यूज़ करना पड़ रहा है मेरे को। चलो डस्टबिन में डालते हैं, थ्रो करते हैं और जो मैंने गंदगी अंदर फैलाई है उसे उठाते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े शपड़े उठा लिया, अब मैं जा रही हूँ उसको वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, ओके है, और उसको धड़ाम करके फेंको, धड़ाम करके हमने फेंक दिया, ये गया वॉशिंग मशीन के अंदर। और इतनी सारी गुड़बत, इतनी सारी 10 रुपये की शाशे के अंदर मैंने पूरे बाल धोए अपने, इतने लंबे बाल, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना भाई, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा अपने बालों से प्यार है। तो तुम जाओ वॉशिंग करने, कब जाओगी? पहली बार पापा के बोलने से बगैर इसने कपड़े डाले, मतलब व्लॉग में सब दिखा दो ना एकदम क्लियरली, मैं घर के काम भी करती हूँ, ओके गाइस मैं घर के काम भी करती हूँ, जाओ ना तुम कहाँ जा रही हो वॉशरूम, जल्दी जाओ भाई मेरे को व्लॉग बनाना भाई, जाओ। तो भाई अभी जो है ना मैं अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सस्ते लोग हैं, मेरे घर में ड्रायर तो है नहीं, तो भाई दुपट्टे से हमें अपने बाल वॉश करने होंगे, मतलब ड्राई करने होंगे, फिर हम कंघा शंघा करेंगे, थोड़ा सुर्खी पाउडर लगाएंगे, सुर्खी पाउडर लगाने के बाद जो भी चीज़ होता है मैं दिखाती हूँ, खाना पीना भी करना है, मुझे अभी नाश्ता वगैरह भी खाना है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है हमारे पेट पूजा के लिए, क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल खाली, हमने रात से कुछ नहीं खाया है, अभी 5 बज रहे हैं, कितने 6 बज रहे हैं लिटरली, हाँ 5:30-6 हो रहे हैं, तो रात से मैंने कुछ नहीं खाया, अभी खाना वगैरह देखते हैं, मम्मा तो सॉरी मम्मा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो अभी खाना पीना देखते हैं कि भाई क्या हमारे किचन में पड़ा हुआ है, डबल रोटी मंगवाते हैं, खाते पीते मज़े करते, क्योंकि अभी बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़, और जब मेरे को भूख लगती है ना तो मैं और ज़्यादा बोलती हूँ, तो अभी मैं इसलिए स्पीड में बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अभी देखते हैं किचन में क्या सीन थे, क्या खाना पीना हमारे लिए मैंने छोड़ा है, क्योंकि सब उठ के सुबह सुबह नाश्ता कर भी चुके थे और मैं सो रही थी महारानियों की तरह, और अभी देखते हैं किचन में जाके कि क्या क्या हमारे लिए घर वालों ने खाने के लिए रखा है, क्योंकि हम तो आई शहजादी इस घर की। चलो जी देखते हैं, ड्राई कर लेते हैं बाल सस्ते दुपट्टे से, क्योंकि हेयर ड्रायर तो हमारे पास है नहीं, तो सुर्खी पाउडर भी लगाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये मैं आपको पता होगा मैं कौन हूँ, दिस इज मी मिस्ट्रेस सिद्दीकी, ठीक है, मैं मिफ्रापी की जो है ना बहन हूँ, ठीक है। अभी मिफ्रापी सस्ते वाला जो है ना हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रही है, ये देखें चेक करें सस्ते वाला जो गाइस रियलिटी है वो रियलिटी देखें, सस्ता वाला हेयर ड्रायर, सस्ता वाला गाइस, सस्ता वाला, बिल्कुल सस्ता चेक करो। अगर किसी को आम वगैरह चाहिए तो आ गए हमारे घर के बाहर, मेरी सुबह ऐसी होती है, टिंडे गोश्त और आलू ले लो, टिंडे ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो तो हमारी सुबह इसी तरीके से होती है। और अभी जो है ना हमारे पास भिंडी वाला है या जो ना फ्रूट वाला है, तो भाई देख लो सिस्टर ड्रायर से हम लोग ऐसे ही सुखाते अपने बाल और ऐसे ही सुखाएंगे, बिकॉज यही गुर्बत है आजकल की कराची की और वैसे भी सारी दुनिया की। तो ड्रायर के पैसे जब आएंगे इंशाल्लाह हम ड्रायर भी लेंगे, अभी फिलहाल इसी से काम चलाना, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब कर दो ना ताकि हम पैसे आ जाए हमारे पास, हम हेयर ड्रायर ले लें, आपको भी दिखाएं, सही गाइस। हां तो आपको इसके पीछे जो है ना एक आंटी नजर आ रही होगी, आंटी हां, और ये हमारी ही बहन है, ये आपको मुझसे बड़ी लगेगी बिकॉज शी इज माय मदर, ओके मेरी दो मम्मा है। गुड गुड, एक दफा ये मुंह दिखाना ना तो भाई मैं जा रही हूँ जरा हेयर ड्रायर शेयर ड्राई कर लूँ, ठीक है, तब तक ये लोग ब्लॉग बना रही है, उसे आप मुझे खाना ला दो, मेरे को भूख लग रही है, मेरा पेट जो है ना बोल रहा है कुछ खा लो, कब तुम लेके आती है ये बता दो सर तो भाई अभी ये मेरे लिए खाना वगैरह लेकर आ रही है, फिर हम लोगों को दिखाते हैं कि भाई मेरे खाने में छाने में मतलब नाश्ते में क्या है, खाना और नाश्ता हम एक साथ करने वाले हैं, जल्दी जल्दी सुखाते हैं, तैयार श्यार होते हैं, फिर आपको मैं अपना फुल लुक भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है आज, और टाइम देखो गाइस 6 बजे सुर्खी पाउडर भी लगाएंगे थोड़ा सा,
ठीक है, फिर हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐश करेंगे और देख रियलिटी नहीं है ऐसा खुद बता दिया, सुर्खी पाउडर लगाएंगे। हाँ देखो फिर भी नेचुरल ब्यूटी में कितनी प्यारी लग रही हूँ, अभी सुर्खी पाउडर भी लगाएंगे। थोड़ा सा पीछे वाला व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, चेक कर सकते हैं गाइस, यही घर है गुरमत। चलो आगे मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। सो भाई मैं सुर्खी पाउडर लगा के रेडी शेडी हो चुकी हूँ, और इतना तैयार हो के मैं रोटी बनाऊं, दिमाग खराब है, नहीं दिमाग खराब लग रही है। तो हम क्या करें, जाओ अभी जैसे बोल रहे थे ना मेहमान आने वाले, बाहर से ले आऊंगा, वैसे जाके बाहर से ले आओ। चलो उठो ऐसे, चलो कौन से पेपर है, मोबाइल दो मेरा, चलो जाओ वही जाओ रोटी बनाओ, काम करो, एक ही छुट्टी और उसमें मैं रोटियां पकाऊं, दिमाग खराब है मेरा। अपनी बेगम से बोलो जिनको लेकर आए थे शादी करके, जल्दी रोटी बना दो, जिनको जिनको शादी करके लेकर आए थे ना, जिनको लेकर आए थे ना शादी करके, उन्हीं से बनवाओ। अभी अभी मम्मा ये क्या कह रहे थे, अम्मा अभी क्या कह रहे थे, तबीयत खराब है उसकी। ओ अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि मेरे दोस्त आने वाले हैं तो बाहर से रोटियां ले आएंगे, और अब मेरे को कह रहे हैं कि रोटियां पका, मैं पागल हूँ, मैं जान नहीं हूँ पागल रोटी बना रहे, तो जाओ मोबाइल दो और बाहर लेकर आओ। कौन तुम्हारी माँ जो 18 साल से रोटी बना, शादी के बाद बनाना शुरू किया, अभी हमारी शादी नहीं हुई, जब हमारी शादी होगी हम बनाना शुरू कर देंगे। अब मैं मोबाइल दे दो मेरा, चलो 6 बजे और रोटियां लेकर आओ, भूख लग रही है, 6 बजे उठी हूँ, 5 बजे उठी हूँ, खाना देखो गाइस 6 बजे, अब भूख की इंतहा हो चुकी है जनाब, जाइए रोटियां लेकर आ जाइए, 6:05 हो रहे हैं, देख लो जाओ और खाना लेकर आओ, नाश्ता करना मैंने, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी 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 आप बनाओ जल्दी जाओ रोटी। हाँ मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, ये मेरा हाल है, जल्दी जाओ 6 बजे ना खाना पीना करूंगी, फिर व्लॉग स्टार्ट करना है मैंने अच्छा सा प्यारा सा। हाँ अभी मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ, मैंने सुर्खी पाउडर तो लगा लिया है, और अब जो है ना मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, और ये पकड़ेगी कैमरा, ठीक है कैमरा पकड़ लोगी है, चलो जल्दी से कैमरा पकड़ो, मेरा फुल लुक दिखा लोगों को, चलो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। सो जी ये है मेरा फाइनल लुक, सुर्खी पाउडर लगा के आपकी बहन जो है ना रेडी शेडी हो चुकी है, देख सकते हो। तो संडे लुक था भैया मेरा कुछ ऐसा, क्योंकि एक दिन मिलता है उसमें अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेनी चाहिए, और आज मैंने पहना पेंट शर्ट, ठीक है, और लाओ दिखा जरा, ये मुझे इतनी गौर गौर से देख रही है, इतनी गौर गौर से देख रही है दोनों, जैसे कि खा जाएंगी अभी। मैंने आपको दिखाया था हेयर ड्राई। हाँ हेयर, मैं हेयर ड्राई भी बड़े अच्छे से कर चुकी हूँ, मैंने बाल सुखाए, सुर्खी पाउडर लगाया, और अब जो है ना मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ, किचन में जाते हैं क्या सीन है, मम्मा से पूछते हैं भाई खाने का क्या सीन है, क्या खिला रही हो क्या पिला रही हो, और फिर जो हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता खाना मतलब एक साथ करते हैं, और फिर पता नहीं रात का खाना हमें कब मिला है, तो अभी जाते हैं किचन में, किचन में जाके पूछते हैं सूझते हैं कि भाई क्या पका रही हो। भाई अभी जा रही हूँ मम्मा से पूछने के लिए कि मम्मा ने क्या पकाया है, वो देखो मम्मी नाश्ते में क्या पका रही हो, क्या मुझे बोलो, मम्मा के दांत में दर्द हो रहा है तो उन्होंने कुछ पेस्ट शेस्ट लगाया अपने, मतलब देसी टोच का आसमान ये घर बैठ के, तो अभी चाय पकड़ी है हमारी, देख सकते हो आप लोग यहाँ चाय हमारी पकड़ी है, और जब हमारी चाय शायद पक जाएगी, खाना खाने में क्या है, सालन क्या है, चिकन का सालन, ओह माय गॉश, तो मैं आपको सालन दिखाती हूँ, ये है हमारा सालन गर्म हो रहा है, थोड़ा तो सॉरी गाइस ऐसा कर देते हैं, हियर इट इज मतलब चला। तो अभी पराठा शराठा पकाएंगे या रोटियाँ छोटे पापा लेने गए बाहर से, तो रोटियों के साथ जो है ना हमने खाना है चिकन का सालन, चाय है हमारी, ये तीनों चीज़ें हम खाएंगे, तो मम्मा रेडी कर रही हैं, जैसे मम्मा रेडी कर लेती हैं फिर हम खाएंगे, पेट पूजा करेंगे भाई। हाँ मतलब 12-13 घंटे बाद कुछ मिलेगा, खाएंगे पियेंगे ऐसे करें। चलो जी अभी हम वापसी अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जब तक हम नाश्ते का वेट करते हैं बैठ के, और मोबाइल शोबाइल जो है ना स्क्रोलिंग करते हैं, एसी में एंजॉय करते हैं, नहाने के बाद मैं फ़ौरन एसी में आके बैठ गई हूँ, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि मैं नहाकर आती हूँ, इतना शावर लेती हूँ मैं दिन में, और फिर आके जो है ना मैं बैठ जाती हूँ एसी में, तो तभी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, नज़ला ज़ुकाम फिर बुखार भी हो जाता है, तो इस वजह से होता है क्योंकि मैं जो है ना डेली नहा के डेली एसी के आके बैठ जाती हूँ, तो ये हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए भी, तो भाई थोड़ा आप लोग जो है ना इससे जो है ना थोड़ा दूर रहा करो, तो मेरी तरह तो ना बनो बिकॉज मेरा तो रोज़ का है, अपना ख्याल रखो। तो भाई गाइज मेरा नाश्ता शास्ता आ चुका है, और अभी हम जा रहे हैं खाना पीना करने के लिए, मतलब नाश्ता और जो होता है ना खाना दोनों एक साथ आया, और ये रही हमारी रोटी, ये रहा हमारा सालन, भाई यहाँ रखो मेरा सालन, डबल रोटी भी आई है हमारे पास, और अभी हम खाते हैं, चेक करते हैं क्या है हमारे नाश्ता का टेस्ट। ओके
चपाती भी ठंडी लाओ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। तो यहाँ मेरे मम्मा की हाथ का खाना नाश्ता हो वो अच्छा ना हो, मतलब सालन अच्छा ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? सब रोटी के पीछे भागेंगे तो सालन कौन खाएगा भाई? हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, फिर आप लोग आगे जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से हम पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भाई पहले पेट पूजा, बाद में अगर काम, जल्दी जल्दी से खाना नाश्ता खाते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं अच्छी सी प्यारी सी, और फिर कुछ स्पेशल से करते हैं। क्या करना है सोचते हैं, बोरिंग दिन गुजारना है या खा पी के दिन गुजारना है? ओके, तो खाना पीना करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई अल्लाह शुक्र हमने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है ना हम चाय पीते हैं ब्रेकफास्ट के अपने, और मलाई वाली चाय देख रहे हो, चाय चाय पीते हैं और फिर जाना है। मैं सोच रही हूँ हम बाहर चलते गई, अभी पापा से पूछते हैं भाई, हम भाई लेके जाते हैं खाने के बाद पूछेंगे, अभी थोड़ा मीटर हाई होगा, खाने के बाद पूछेंगे भाई शायद लेके जा रहे हो, तो फिर हम बाहर घूम के आते हैं। बाबा बाबा घूमने चलो ना, ओ बाबा घूमने जाना है, इतवार एक ही छुट्टी मिलती है, घुमाने चलो 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 चलो ना यार। अच्छा बताओ कहाँ चलना है? मैं अभी जाऊँगा मस्जिद, नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ के वापसी आऊँगा, घर में थोड़ी सी वीडियो देखूंगा, उसके बाद मुइन छोटा और फायदा छोटी को लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं घूमने जाऊंगी। तो भाई अभी जो है ना मैंने गेट पे लॉक लगाया था, क्योंकि मंतशा जो है ना, मैंने अभी खाने पीने के लिए कुछ मंगवाया है, तो मंतशा जो है ना इस चीज़ की शौकीन है, ठीक है, तो ये हम खाएंगे छुप के बाहर। चलो गाइस चलते हैं बाहर, चलो जी चलो चलो। सो भाई मैंने गेट पे लॉक लगा दिया, ये कौन खाएगा? ये मेरी है क्या देना? चलो जी हम आइसक्रीम शाइसक्रीम खाते हैं। It's not yours. Maybe Danda. क्या हुआ माँ? चलो भाई हम आइसक्रीम खाते हैं, मंतोषा जो है ना पॉप स्टार खा रही है खुले। टेस्टिंग। ये लो, नाराज हो गए गाइस। दे दे भाई। इसके बाद तो थोड़ी मेरे पास होगी। आयो मम्मा। ये लो। लाया नीचे। हेलो। पांच। मैं हो गया। खाना मुझे छोटे भारी खाना है। चलो फिर खाने। हाँ। मैं खा रही हूँ, मुझे चॉकलेट वाली खानी है। पैसा नहीं है तो पैसे से मैं खा रही हूँ, ये खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई मैंने सोचा था कि पापा जो है ना नमाज शमाज पढ़ के आएंगे, तो हम लोग जाएंगे घूमने शुमने के लिए, लेकिन हमें सरप्राइज दिया मुइन छोटे और फायदा छोटी ने। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो पता है जब मंडाई का हौसला होता है। तो भाई इन लोगों को आए हुए तकरीबन आधा एक घंटा हो चुका है, और मुझे ब्लॉग बनाना याद नहीं रहा, बट अभी जो है ना अभी चाय शाय मतलब नाश्ता चाश्ता चल रहा है, और अभी हम खाते पीते हैं, मतलब देख रहे हैं। आपको तो पता हम भाभी के हाथ के चाय शाय मतलब। हाँ तो भाई ये नाश्ता चाश्ता चल रहा है, तो अभी रात के मे भी 10-11 बज रहे हैं, और जो है ना हम इंजॉय कर रहे हैं नाश्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। तो भाई अभी हम लोग नाश्ता शास्ता करते हैं, चाय शाय पीते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई अभी हम आए हाथ वाथ धोने के लिए, बिकॉज जो है ना हमारा खाना लग चुका है, अभी हाथ धो लेते हैं। और कराची में इतनी प्यारी बारिश हो रही है, आपको बूंदें नजर आ रही होंगी,
तो ये रात का टाइम है और हम लोगों ने जो है ना कंटेंट क्रिएटिंग वगैरह की टिकटॉक्स बनाई, बहुत सारी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई, मतलब टिकटॉक के लिए ही। तो अभी जो है ना अभी हमारा खाना शाना लग चुका है, बीच में टाइम नहीं मिला मैं आपको जो दिखाती, बट अभी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कराची का रात में, आए हाय 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 हाय, सुबह से आसार नहीं थे बारिश के, लेकिन अब जो है ना इतनी टाइट बारिश हो रही है। और अभी हम खाना शाना खाते हैं, दिखाते हैं खाने में क्या है, अभी हाथ धोने आए थे, चलिए लेट्स गो अंदर चलते हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या बनाया है मम्मा ने। अम्मा रोटियाँ बना रही है, अम्मा क्या बना रही हो? पराठा बना रही हो, पराठा बेसन का पराठा। कराची में बारिश हो आलू और बेसन का पराठा ना बने ऐसा मुमकिन है? ना मुमकिन है, ऐसा हो सकता है ना? मेरी मम्मा तो ऑलराउंडर है ना, सब कुछ होता है उनके पास, खाना पीना सब कुछ। चलो अंदर चलते हैं। चलो जी यहाँ खाना लग चुका हमारा, हम हाथ छत हो गए, हाथ चुके हैं और खाने के भाई देखे अब मैं खाने के टाइम पे आ रहे हैं। नहीं ये तो गलत बात है ना, मेरे बगैर आप लोगों ने खाना शुरू कैसे किया? हाउ इट्स पॉसिबल? कर रहे थे चेक कर रहे थे पढ़ना है। अच्छा गाइज ये इतने झूठे लोग हैं ना, मैंने बोला मैं आज तो कह रही हूँ आप लोग शुरू नहीं करोगे क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना है, लेकिन इन लोगों की आप लोगों को पता जब मैं ज्यादा बोलती हूँ तो आप ऑब्वियसली मुझे भूख लग रही है। 12:01 बज रहे हैं और रात का खाना हमें अब मिला है, 6 बजे का खाया हुआ अब हमें 1 बजे मिल रहा, तो आप लोग खुद सोचो मतलब क्या हमारे घर का सीन रूटीन चल रही है। माशाल्लाह चिकन मिला है मुझे। ओ मैं आपको खाने में दिखाती हूँ क्या क्या है। तो भाई यहाँ हमारी कुछ डिशेज हैं, ये कुछ डिशेज हैं हमारी, हलीम है, चिकन का सालन है, कोरमा है, रोटियां तंदूर की और चपाती है, और बेसन की रोटी भी आ रही है, मतलब बेसन का पराठा भी आ रहा है। ठीक है जी, तो अभी जो है हम खाना खाने बैठते हैं और आपको बताते हैं क्या सीन। चिकन इसलिए बना रहा दादा, हम चिकन इसलिए ज्यादा बना रहे हैं कि लोग ये ना बोले कि बकरा ईद का गोश्त अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं हमारा मोहर्रम से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाता है, पाए वाए जो भी हमारे दिन हम खत्म कर देते हैं। ईद के 14 दिन का रूल है हमारा, ईद के 4th डे जो ना हमारा सब कुछ घर में जो भी होता है ना खाना पीना सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब फैन देख रहे होंगे कि हम खाने के टाइम पे आ रहे हैं हर व्लॉग में, तो भाई हमें बुलाओगे तो खाने में आएंगे। हम लोग बुलाते हैं इन लोगों को खाना खाने के लिए, बिकॉज मतलब बुलाते खाना खाने के लिए मेहमान नवाजी। बीच में मैंने बताया था कि हम कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे थे टिकटॉक के लिए, तो भाई मुझे बहुत तेज बोलना आ रहा है, तो अभी हम खाना शाना खाते हैं ताकि मैं थोड़ी सी सुकून में आऊँ, फिर मैं थोड़ा कम बोलूंगी। तो अभी खाते पीते ऐश करते हैं और फिर जो है ना चखते हैं जो हमारी पसंद का होगा वो हम पहले खाएंगे, बैठ जाओ बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो पहले तो हम चखेंगे, इसमें ये बाहर का है तो इसमें थोड़ा ज्यादा तेल है और ये मम्मा ने बनाया घर में, ये जो शाम में मैंने खाया था नाश्ता, और हलीम चखेंगे अभी हम। ठीक है तो ये आ गया हलीम, ये आ गई हमारी रोटी, हमारी रोटी आ गई है, तोड़ो जल्दी जल्दी भाई। चलो जी ये आ गई हमारी रोटी, ठीक है ये आ गया हलीम, इसको छकेंगे हम लोग, इसको जल्दी से हमने निकाला। बेगम और यहाँ की बेगम खाया तो एक वाला भी नहीं है उनके बगैर है, ये देखो पूरी एक रोटी खत्म हो गई है, इन लोगों ने खाना नहीं खाया बेगमों को छोड़ के। बेगम आया तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बिस्मिल्लाह पढ़ ली मैंने, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, आप लोगों को सामने ही पढ़ ली। ये आया हमारे भाई क्या सही, मम्मा ने बनाया है, भाई से आया रोटियां भी भाई से आई हैं। चलो जी मेरे पहले व्लॉग में मैंने कहा था बीबियों से प्यार करेंगे। हाँ ओह माय गॉड शर्मा गई क्या? तो भाई पहले पेट पूजा कर लेते हैं, जैसा कि मेरा रूल है पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा, तो सीन कुछ नहीं है, अभी हम खाना शाना खाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन है, क्योंकि 1 बज रहा है रात का और फिर जो हमने सोना ही है भाई, क्योंकि सुबह जाना है जॉब पे, ऑफिस जाना है हम लोगों ने, तो ऑफिस के लिए हम लोग रेडी होंगे, कपड़े वगैरह प्रेस करने सुबह के लिए और फिर जाते हैं हम लोग सुबह ऑफिस, अभी के लिए खाना खा लेते हैं। चलो जी मेरा हो गया अल्लाह शुक्र, इन सबका चल रहा है, अभी खा रहे पी रहे ये लोग माशाल्लाह, आपको पता है एंड में ही होते हैं हम। हां माशाल्लाह माशाल्लाह दो। मैं इनके बाद बैठी थी लेकिन मेरा अल्लाह शुक्र हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ये बड़े बड़े निवाले हाँ वैसे बड़े बड़े निवाले खाने लगी हूँ अब। तो भाई अब जो है ना मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बिकॉज सुबह जाना है आप लोगों को पता जैसा कि, तो भाई अभी हम जाते हैं सोने के लिए, मतलब मतलब व्लॉग को तो यही एंड करना है ना सोने के लिए, तो भाई मैं जा रही हूँ सोने, मतलब कपड़े सपड़े इस्त्री करेंगे जो भी करना है, खाना पीना हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र, तो भाई अभी जाते हैं जो भी करना सीन्स करते हैं, बट ब्लॉग हम यही एंड करने वाले क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में और एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। मैं अब जो है ना चैलेंजेस सीरीज शुरू करने वाली हूँ, मतलब कि मैगी ब्लॉग पता नहीं, मतलब सीरीज जो होती है चैलेंजेस वाला, तो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह हम चैलेंजेस करने वाले हैं बहुत सारे, तो गाइस स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर ब्लॉग्स, बहुत सारे चैलेंजेस ब्लॉग सरप्राइजिंग ब्लॉग आप लोगों को मिलने वाले हैं, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट फनी कॉमेडी ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो गाइस स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।
Oh, 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 oh